हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू मेरा कलेक्शन। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ मिराकी का, जो हमारे पास आया हुआ था। मैंने आपको काफी वीडियोस एंड पिक्चर्स भी पोस्ट करी थी, तो आज मैं उसमें से आपको दिखाने वाली हूँ। आज मैं ना आपको उसमें 12 डिजाइन दिखा रही हूँ, वैसे 14 थे बट 12 मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक है। यही वाले अवेलेबल है, इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है आप मुझे बताइएगा। और आज की वाली वीडियो में ना मैं आपको बता दूँ, सारे के सारे पीसेस ओरिजिनल है, कुछ भी इंडियन रेप्लिका नहीं है, तो प्राइसेस जो है ओरिजिनल के ही मैं डालूंगी। तो आप लोग प्लीज ये मत कहिएगा कि मतलब आप बहुत करती हैं, महंगा बेचती हैं या वैसा कुछ करती हैं, ऐसे कुछ टाइप के कमेंट्स मत कहिएगा। और कमेंट करने के पहले ना देख लिया करिए कि आप कौन सी वीडियो देख रहे हो और मतलब कितने वैसे देख रहे हो, ठीक है। तो उस पर भी प्राइस डिपेंड करता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, डेली आपको दिखा दूंगी सारे, क्योंकि इसमें काफी सारे डिजाइन है जो मुझे आज कवर करने हैं। और थोड़ी सी अगर वीडियो लंबी होती है तो प्लीज शिकायत मत कीजिएगा, क्योंकि डिजाइन 12 हैं और सब कुछ बताने में समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये देखिए जो हमारा फर्स्ट डिजाइन है ना, ये हमारा है ZS टेक्सटाइल का है। मैं आपको पहले बता दूं, मिराकी जो है ये ZS टेक्सटाइल का है। इसमें सारी चीजें शिफॉन में होने वाली है, ठीक है। और जो उसके बॉटम दिए हुए हैं, जो बॉटम के लिए फैब्रिक है वो रॉ सिल्क में है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है। अब मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगी, तो आप पॉज करके ना पढ़ भी सकते हो। और इसका जो डिजाइन नंबर है वो ZS 13 है, ठीक है। और आप देख लीजिए डिजाइन किस टाइप का है, ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें सारी चीजें। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पीस है ये। और ये देखिए आपका यहां से ये बनेगा, ये ब्लैक शेड में है, ठीक है, ब्लैक शेड में है। और इस पर जितना भी काम हो रहा है ना, ये गोल्डन कलर का है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ये पूरा का पूरा शिफॉन फैब्रिक पे है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, पाकिस्तानी ओरिजिनल है, शिफॉन फैब्रिक पे पार्टी वेयर है। और यहाँ से आपका बोट नेक टाइप का आपका नेक पे बन जाएगी, एम्ब्रॉयडरी उसी टाइप की दी गई है। और ये पूरे पे आपको बूटे मिलेंगे, बहुत ही साफ काम है। मतलब आप देखोगे ना इस पे एक एक पीस इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ काम की वजह से, क्योंकि काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और जितना भी है ना ये बहुत ही प्यारा हो रहा है, जरी का पूरा गोल्डन कलर से ये काम है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ बैक वाला पार्ट, ये देखिए ये बैक वाला पार्ट है ये इसका, ठीक है। ये ऐसे नीचे बैक वाला पार्ट हो गया, और ये हो गई है इसकी स्लीव्स। देखिए इसमें ना काफी सारे पैचेस में ना इसमें वो भी सॉरी काफी सारे डिजाइन्स में पैचेस भी दिए गए हैं, ठीक है। तो वो उसी के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि मैं आप ही लोगों के साथ देख रही हूँ। अगर इनकेस कोई भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे खुद को, ठीक है। ये स्लीव्स के लिए है फैब्रिक आपका। बाकी डिजाइन का आपको आइडिया लेना है या कुछ पूछना है तो आप ना मुझे बिल्कुल फ्रीली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी PDF, तो उसमें आपको देख के ना डिजाइन का आइडिया हो जाएगा। ये पैच दिया हुआ है, शिफली वर्क है पैच पे, ठीक है। ये पैच एक हो गया हमारा, ये दूसरा पैच है, सेम है दूसरा पैच दिया गया है। लेंथ आप देख लीजिए, मैं डबल करके पकड़े हुए हूं। और ये है दुपट्टा, इसका दुपट्टा भी शिफॉन में है और पूरा का पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये तो एम्ब्रॉयडर्ड है ही, और जैसे कि ये पल्लू है, ठीक है, इधर के साइड का मैं आपको बॉर्डर दिखा रही हूँ, आपको ना लगा के बता देती हूँ किस टाइप का होगा। ये देखिए जो ये दिया गया है ना, ये इसके बॉर्डर पे दिया गया है, बॉर्डर के लिए दिया गया है। तो ये आपका दुपट्टे में लग जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। तो ये आपका पल्लू में और ज्यादा इसमें खूबसूरती आ जाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख रहे हैं। अच्छा देखिए मॉडल पिक्चर में ना, जब पिक्चर जैसे अब प्रिंट हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा काफी बार कलर जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्राइट और वैसा आ जाता है, तो इसमें आप मॉडल पिक्चर पे मत जाइएगा। बाकी सब चीज आप देख सकते हो सब कुछ, लेकिन डिजाइन आप देख लीजिए, मैं आपको बाकी PDF सेंड कर दूंगी, तो उससे आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। ये ऐसे ना ऐसे कट होके ये ऐसे लगेगा, आपका बॉर्डर इस पे अटैच हो जाएगा। काफी हैवी बना के दिया गया है, और ऑर्गेंजा पे पूरा एम्ब्रॉयडरी है उस पर। ये दुपट्टा आप देख लीजिए रेड में है, रेड कलर में, ठीक है, शिफॉन का एम्ब्रॉयडर है पूरा का पूरा। और रॉ सिल्क में आपका बॉटम का फैब्रिक दिया गया है, ये देखिए ब्लैक शेड में रॉ सिल्क में बॉटम का फैब्रिक है। तो हमारा फर्स्ट डिजाइन मैंने दिखा दिया है आपको, अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकेंड वाला डिजाइन।
कि आप पहले थोड़ा डिजाइन देख लीजिए। इसमें जो आपको है ना, इस वाले डिजाइन में आपको शिफॉन का टॉप मिलेगा, मींस जो कुर्ते का फैब्रिक है वो शिफॉन एम्ब्रॉयडर्ड है। इसका जो बॉटम है वो रॉ सिल्क में है, ठीक है, और इसका जो दुपट्टा है वो 2.5 मीटर का है और जैकवार्ड में है, ठीक है। फैब्रिक मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मेंशन भी है, सारे डायमेंशन इसमें मेंशन है, मेजरमेंट सारा दिया हुआ है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। बहुत ही डिसेंट, बहुत ही सादे, मतलब ना एक एक जो डिजाइन है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कलर आपको एग्जैक्ट दिखाई दे तो उसी से आपको आइडिया होगा। ये देखिए, ये जो हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा लाइक इंग्लिश कलर्स हम लोग क्या कहलाते हैं, जो हम बहुत डिसेंट होते हैं सोवर से एकदम, ये वैसा ही वाला है, ब्राउन के शेड में है। ये देखिए, इसे मैंने ना ये थोड़ा सा अलग सा है, इसमें आपको स्लीव्स का, बैक का, फ्रंट का वो सारा रनिंग में फैब्रिक दिया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक करके। ये मैं पहले आपको दिखा रही हूँ इसमें फ्रंट का पार्ट, ठीक है। ये देखिए, यहां से आपका बनेगा, आपको दिख रहा होगा ना ये नेक पर आपकी एम्ब्रॉयडरी दी गई है। अच्छा, आप लोग ये कहेंगे कि नेक काफी छोटी है, तो देखिए काफी बार क्या होता है, अगर इनकेस आपको ये लग रहा है ना कि नेक का जो इस पे एम्ब्रॉयडरी है वो काफी कम दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइड में ना टेलर मैनेज कर देता है, हुक्स लगा देगा या फिर आपको कुछ भी बटन लगा देगा, तो उससे आपको कोई परेशानी होगी नहीं। बाकी आप सब काम ना टेलर पे छोड़ दिया करें, टेलर सब मैनेज कर देते हैं। तो और ये देखिए, ये सारी एम्ब्रॉयडरी आप देखिए कितनी फाइन है, बहुत ही ज्यादा डिसेंट है एकदम, और काम जो है ना बहुत ही अच्छा है। अगर देखिए इसका ना जब आप सामने से देखोगे ना तो आप जरूर तारीफ करोगे। बाकी मैं अब मुझे पता नहीं है कि आइडिया नहीं है कि वीडियो में कैसा आ रहा है। ये हो गया इसका दामन, तो पूरे फ्रंट पे ना आपको बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी मिल रही है सारा, और इसका जो ये है ये शिफॉन का है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, क्लीन मैंने कर दिया इसको, बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो भी व्हाइट और गोल्डन का इसमें सीक्वेंस वर्क है, बाकी सारा रेशम का काम है इसमें, ठीक है, जरी का काम इतना ज्यादा नहीं दिया है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ उसके बैक वाला पार्ट, वो भी आप देख लीजिए। यहां से नीचे ना बैक वाला पार्ट है, ये देखिए, ये आपका बैक के लिए दिया गया है, रनिंग में है कुर्ते के साथ में ना, फ्रंट के साथ में इधर की साइड में आपको बैक वाला पार्ट है। बाकी ये जो दी गई है इसकी, ये वाला, ये स्लीव्स है, देखिए, तो वो देखिए इसमें फैब्रिक कम नहीं है, आपको लगे आपकी फैब्रिक कम है ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये आप खुद देखिए पूरे के पूरे विड्थ वाइज ना आपको ये एम्ब्रॉयडरी करी हुई मिल रही है। ये देखिए, तो ये स्लीव्स के लिए, आपकी स्लीव्स भी कम नहीं होंगी, फैब्रिक का पूरा ध्यान रखा गया है, बाकी जितना मेजरमेंट है ना आपको उतना ही मिलेगा। ओरिजिनल में डिजाइन चेंज नहीं होता है और आपको डिजाइन भी एग्जैक्ट सेम मिलेगा, आपको एम्ब्रॉयडरी भी सेम मिलेगी, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं, क्योंकि रेप्लिका होता है उसमें हम लोग बताते हैं कि ये चीज डिफरेंट है, ये चीज डिफरेंट है, बट ये आपको सेम एज अ मॉडल पिक्चर मिलेगा और वही सेम डिजाइन ना आपका बनने के बाद तैयार होगा। ये देखिए, ये जैकवर्ड में हमारे पास दुपट्टा है, ये इसका, और जो ना जैकवर्ड मतलब वैसा वाला नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा आपका। और देखिए, अगर आप लोग ये क्वेश्चन करो कि सर पे रहेगा नहीं रहेगा, तो आई थिंक रहेगा, लेकिन हाँ इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा कि बिल्कुल रुका रहेगा, लेकिन आप लेना चाहो तो इसको इजिली ले सकते हो आप सर पे। ये ना इसका थोड़ा सा इस टाइप का लुक आएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार रखकर, थोड़ा ना इस टाइप का लगेगा, ये धागे ना इसमें अटक रहे हैं, हो गया, थोड़ा इस टाइप का ही लगने वाला है, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा थर्ड डिजाइन, ये देख लीजिए, ये हमारा ना बहुत ज्यादा लाइट ग्रे, एकदम लाइट ग्रे शेड में है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और इसका जो ओवरऑल लुक है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये वाला डिजाइन मैंने खोलकर देखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से बता पा रही हूँ। इस डिजाइन का ना मेरे पास अभी इस वक्त रेप्लिका भी मौजूद है शॉप पर, तो अब मतलब मैं अभी दिखाऊंगी नहीं आपको, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल अभी जल्दी मुझे कवर करने हैं सारे डिजाइन इसमें, तो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। आप लोग चाहें ना अगर इसका रेप्लिका लेना चाहें तो आप मुझे फ्रीली मतलब मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी, आप खुद देखिएगा कि फैब्रिक में और उसको मतलब एकदम डिजाइनिंग में कितना फर्क है। ये देखिए आप, ये शिफॉन पे है सारा,
एकदम भरा हुआ काम है। आप अपनी मदर्स को कोई मतलब एजेड हैं, आपको गिफ्ट करना है तो मदर इन लॉ को गिफ्ट करना है, तो आप लोग ये इसको इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप ये देखिए कि इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी फाइन है, कलर बहुत सोबर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और वाटर सीक्वेंस वर्क है तो वो इतना ना शाइन भी नहीं हो रहा है। ये देखिए काम देखिए बहुत ही प्यारा है। आप लोगों को याद भी आया होगा इस डिजाइन से मैंने दिखाया था वो कुछ दिन पहले पार्टी वेयर में। और इसका जो बैक है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप ये देखिए ये बैक वाला पार्ट है इसका। बैक आपको प्लेन मिलेगा, बस नीचे जो है ना थोड़ा सा बॉर्डर तैयार कर दिया गया है, ठीक है, शिफॉन में ही मिलेगा आपको। ये ना ऐसा है कि बहुत लाइट शेड है, एकदम ऑफ वाइट सा शेड है, और रॉ सिल्क में इसका ये हमारा सेम शेड में बॉटम का फैब्रिक है, ठीक है। बॉटम ना जैसे कि क्या होता है, काफी बार आप लोग समझते हैं रॉ सिल्क से नहीं पहन पाएंगे, लेकिन कंफर्टेबल है, आप गिफ्ट करना चाहो तो आराम से कर सकते हो इजिली, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसको भी आप करोगे ना इजिली पहन लेंगे। और ये हो गई स्लीव्स, ये आप देख लीजिए ये स्लीव्स हैं। और ये हो गया दुपट्टा, तो दुपट्टा तो देखिए पूरे पे आपको एज अ जाल वर्क टाइप का मिलेगा, और इसके साथ में जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको कि उसके लिए पल्लू के लिए अलग से दिया गया है पैच टाइप का, तो वो भी इसको दिया गया है, इसमें आप अटैच होगा, मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप से। ये सब तो उसमें एम्ब्रॉयडरी है ही, बट ये आपको एक एज अ पैच दिया गया है, अटैच हो जाएगा ये इजिली इसमें, ये देखिए इस टाइप से थोड़ा, तो ये जो है ना दुपट्टे का फिर गेटअप आएगा इसको लगने के बाद। और ये मैं आपको बता दूं, ये देखें ये मैंने डबल करके पकड़ा हुआ है, और ये मैंने कर ली इसकी चार बार, तो ये मैंने एकदम चार वाली तय बना के इसको पकड़ा हुआ है, तो भी काफी है। तो इसमें ना बहुत ज्यादा अच्छे से दिया गया है, पैच आपको छोटा नहीं पड़ने वाला है, पूरा आपको दिया गया, ठीक है। और ये देख लें ये शिफॉन में दुपट्टा है, मैं आपको बाकी का दिखा देती हूँ, इधर का पूरे पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा फोर्थ डिजाइन। इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो भी बहुत सोबर है, मैंने पहले दिखाई थी तो उसमें थोड़ा सा नगवाली हो रही थी, लेकिन इसमें ना ज्यादातर देखिए सीक्वेंस का काम है, इसमें रेशम का काम है, और जहां पे बीट्स का है मैं आपको बता दूंगी। तो बहुत प्यारा ये डिजाइन है सारे के सारे। ये देखिए ये हमारा लाइट पिंक के साथ में ना प्लम शेड का मिक्सचर है, मैं आपको दिखाती हूँ अब कैसा लग रहा है। और ये भी डिजाइन बहुत अच्छा है ना लड़कियों के मतलब से, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, और थोड़ा सा इस पे मतलब जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी इसी टाइप की है, बहुत ही प्यारी डिसेंट सी एकदम। ये देखिए आप, ये मैं आपको एक पार्ट दिखा रही हूँ अभी, एक्चुअली वाला मैंने खोल के नहीं देखा है ना, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा बैक है कौन सा फ्रंट दिया है, तो आप फिलहाल ये देख लीजिए, ये मैं आपको एक पार्ट दिखा रही हूँ, या तो ये बैक का है या फिर फ्रंट का है, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। इसमें देखिए सिल्वर कलर का ना सीक्वेंस का काम हो रहा है, बाकी सारा रेशम का काम है इसमें, ये देख लिया आप, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका एक और पार्ट, ये है इसकी स्लीव्स। ओके स्लीव्स हैं ये, मैं पहले आपको दूसरा वाला दिखा दूं फिर मैं आपको बता दूं। ये जो मैंने आपको दिखाया ना ये बैक वाला पार्ट है, इसका फ्रंट मैं अब खोल रही हूँ। ये देखिए इसमें बना हुआ है नेक, तो नेक के लिए ऑलरेडी डिजाइन है, वो मैंने आपको जो पहले खोल कर दिखाया था ना वो बैक है इसकी, आप ये देख लीजिए। ये देखिए ये जो है इसकी, ये आपको दिया गया यहाँ से आपकी नेक वाला पार्ट होगा, तो देखिए इसमें ना आप बोट नेक अगर बनवाओगे तो बहुत प्रिटी लगेगा आपका, बस थोड़ा सा जाएगा, ठीक है। वो देखिए आप ना बनवाएंगे नेक आपका कटेगा स्टिच होगा तो उसमें थोड़ा सा तो एम्ब्रॉयडरी जाएगी ही जाएगी, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, वो ऊपर तक एम्ब्रॉयडरी इसलिए करके देते हैं, तो आप अपने हिसाब से या तो बोट नेक बनवा लीजिए या फिर जैसी भी आपकी चॉइस हो। देखिए बहुत ही प्यारी डिसेंट एम्ब्रॉयडरी है, सेम कलर से जो कलर एकदम हाईलाइट हो रहा है ना उसी शेड से आपकी एम्ब्रॉयडरी करी गई है। और अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्लीव्स है, ये देखिए ये स्लीव्स के लिए आपको फैब्रिक दिया गया, और स्लीव्स आप देखिए स्लीव के एक तो बॉर्डर देखिए आप, काफी चौड़ा बॉर्डर है, और ये बीच में जितने भी है ना ये बूटे हैं ये बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं, पूरी स्लीव पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। और ये रॉ सिल्क में हमारा सेम शेड में आपको बॉटम दिया गया है लाइट पिंक शेड में, और ये डार्क आपको पर्पल शेड में दिया गया है इसका दुपट्टा। ये देखिए
तो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही लाजवाब है, एकदम मतलब एकदम हटके वाला पीस है और इसका ना हिट डिजाइन कह सकते हैं हम इसको। पूरे पे आपको सेम बूटे मिलेंगे जो कि आपके सूट में है, पूरे दुपट्टे पे। दुपट्टे की लेंथ एंड विड्थ बहुत अच्छी दी गई है, 2.5 मीटर का आपको दिया गया है पूरा, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा दुपट्टा हो गया। अब मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ किस टाइप का लगेगा साथ में। तो ये देख लें आप, लुक आपके सामने आ जाएगा। लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा नेक्स्ट डिजाइन जो कि हमारा होने वाला है। कौन सा लेते हैं? ग्रीन लेते हैं। ये जो हमारा है ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा ना मॉडल पिक्चर में देखिए कलर थोड़ा डार्क आ रहा है। अब प्लीज कलर को लेके आप ये मत कहिएगा कि आपका ओरिजिनल नहीं है, आपका रेप्लिका है, ऐसा नहीं है। ओरिजिनल है, शिफॉन में है, ठीक है, बाकी सब कुछ मेंशन है, आप खुद भी देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ्रंट एंड बैक। इसमें भी ना आपका क्या है कि मतलब सारी चीजें रनिंग में दी गई है। रनिंग से मेरा मतलब ये है, एक ही फैब्रिक में आपको स्लीव भी दी गई है, बैक भी उसमें आपको दी गई है और फ्रंट वाला पार्ट भी उसी में ही है। ओके, तो मैं अभी आपको एक मिनट खोल के दिखा देती हूँ किस टाइप से होगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। तो ये देख लें आप, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका नेक बनेगा, यहाँ से मीन्स नेक के लिए कटिंग होगी। आपका ये वाला जो है नेकलाइन वाला एरिया है और यहाँ से नीचे ये आप डिजाइन चेक कर लीजिए, ये सब एम्ब्रॉयडेड है। ठीक है, मैं आपको करीब से बार बार नहीं दिखा रही, उसका मतलब नहीं है। बाकी ये सब एम्ब्रॉयडेड आपको मिलेगा, ये दामन पे एम्ब्रॉयडरी है आपकी। ठीक है, और मैं अब आपको दिखा देती हूँ इसमें बैक वाला पार्ट एंड स्लीव वाला पार्ट। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये देखिए, ये हमारा जो दिया गया है ये बैक वाला पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं, बैक पर ना बूटे हैं, तो बैक पर काम तो आपको सबको, मोस्टली आपको सब ड्रेसेस में बैक पर आपको वर्क दिया गया है, बूटे दिए गए हैं। आप देख लीजिए इसमें भी ना सिल्वर कलर का सीक्वेंस वर्क हो रहा है। इसका जो शेड है वो लाइट ग्रीन शेड है, सी ग्रीन टाइप का शेड है इसका। और आपको ये बैक पर भी ना दामन पे आपको मिलेगा अच्छा, मतलब एकदम चौड़ा सा बॉर्डर मिलेगा। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ स्लीव, स्लीव्स भी ना इसकी रनिंग में है। और आप ये देखिए, बैक की स्लीव, बैक के बूटे में और ये स्लीव के बूटे में काफी गैप है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ से बीच से ना आपका स्लीव के लिए फैब्रिक अलग से कटेगा। तो ये जो हो गई है हमारी स्लीव्स के लिए पार्ट हो गया है। और स्लीव पे आप देख लीजिए, आपको बॉर्डर दिया गया है और बीच में आपको पूरी स्लीव पे आपके आ जाएंगे ये बूटे। ठीक है, तो आपकी स्लीव भी ना पूरी एम्ब्रॉयडर्ड रहेगी। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा इसमें रॉ सिल्क में आपको सेम शेड में ग्रीन में आपको बॉटम का फैब्रिक दे दिया गया है। और ये भी फैब्रिक प्योर है प्लीज, ठीक है, इसको आप वो मत समझिएगा, रॉ सिल्क में है और इसका जो इसका फैब्रिक की क्वालिटी वो बहुत अच्छी है। आपको एकदम ठंडा रहेगा इसमें, कुछ भी मतलब गर्म वाला कुछ भी नहीं है। आप लोग इजीली इसको ले सकते हो, अगर आपके घर पे मैरिज वगैरह कुछ भी है आपको पहनना है तो डिसेंट भी है, पार्टी वेयर के हिसाब से बहुत प्यारे हैं। ये हमारा आ गया शिफॉन में दुपट्टा, आप देख लें दोनों साइड पे आपको लेंथ वाइज ये बॉर्डर मिलेगा। देखिए जो साइड में होता है ना कपड़ा, काफी लोग पूछना है कि इसका मतलब कटवाना है क्या करना है, तो आप ना इसको अगर इनकेस आपको ज्यादा विड्थ में चाहिए तो आप इसको रहने भी दे सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे फोल्ड करवा के कोई लेसेस लगा लीजिए तो वो भी मतलब उसकी विड्थ भी बनी रहेगी और अच्छा भी लगेगा। या फिर आप चाहो तो इसको ना साइड से कटवा के आप पीको करवा सकते हो, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। हर तरह से दुपट्टे आते हैं तो वो आपके अपने ऊपर है, आप जैसा चाहो वैसे करवा सकते हो। और ये चीज देख रहे ना आप, बीच में इसमें बूटे पड़े हुए हैं पूरे में, और उधर भी आपको लेंथ वाइज मिलेगी एम्ब्रॉयडरी। ये देखिए पूरे दुपट्टे पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा ग्रे शेड में है, तो आप कॉम्बिनेशन समझ गए होंगे, लाइट सी ग्रीन का और ग्रे का कॉम्बिनेशन है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा नेक्स्ट डिजाइन। ये भी जो हमारा डिजाइन है ना, मैंने जो अभी आपको दिखाया था जैकवर्ड में जिसका दुपट्टा था, ये उसी का दूसरा पीस है, आप देख लीजिए। ये हमारा पूरा जो मैंने दिखाया था ना अभी पर्पल शेड में जिसका दुपट्टा था, सेम वही शेड है, लेकिन इसमें पूरा आपको सूट मिलेगा इस शेड में। इसमें भी सेम वही है, सब कुछ रनिंग में दिया हुआ है, दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। ये देख लीजिए आप,
ये आप देखिए, ये ना अच्छा है, जैसे किसी को डार्क शेड पसंद है ना, तो उनके अकॉर्डिंग बहुत प्यारा है। और ये देख लें आप, यहाँ से तो आपका नेक वाला पार्ट बनेगा। मैं फिर से आपसे वही बात कहूंगी, आप बीच में या तो कट लगवा के और यहाँ पे इसको ना हुक लगवा सकते हो, तो आपका नेक पे आपको आसानी हो जाएगी। या फिर आप चाहो ना तो यहाँ पे साइड से उनमें कट लगवा के टेलर से और हुक लगवा सकते हैं, तो वो फिर भी आपको पहनने में आसानी रहेगी, तो वो टेलर आपका कर देंगे, उसे परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। और ये जितना आप देख रहे हो, ये रेशम का काम है इस पे और सिल्वर कलर का सीक्वेंस वर्क हो रहा है। तो ये है मेरा हम लोग का नेक्स्ट डिजाइन, आप देख लें। अब सारी ना इसकी एम्ब्रॉयडरी आप चेक कर लीजिए, पूरा का पूरा ना ये हैवी एकदम एम्ब्रॉयडरी में मिलेगा आपको। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये इसका दामन है, ठीक है, ये चेक कर लीजिए, पूरा आपको हैवी मिलेगा ये। और मैं आपको दिखा देती हूँ अब इसकी स्लीव्स और इसकी बैक। ये देखिए, बैक पर जैसे कि मैंने कहा है कि आपको बूटे मिलेंगे, आप देख लीजिए पीछे वाले ना, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप बूटे देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये नीचे दामन पे आपके आएगा, बैक वाले पार्ट में आपके दामन पे आ जाएगा ये डिजाइन, और ये पूरे बैक पे आपके बूटे रहेंगे। और यहां से हो गई आपकी स्लीव्स, ये देख लीजिए आप, ये आपकी हो गई है स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए ना क्या होता है कि अगर आपका साइड में कुछ बच भी रहना तो आप डिजाइनिंग करवा सकते हो, अगर इनकेस आपका फैब्रिक बच रहा है तो, क्योंकि ये पूरे विड्थ वाइज ना आपको पूरी की पूरी उस पर एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है स्लीव्स के लिए। तो ये देख लीजिए आप, पूरी ना आपकी स्लीव्स भी परफेक्टली एम्ब्रॉयडरी रहेंगी, पूरी फुल हैवी एम्ब्रॉयडरी रहेंगी, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ रॉ सिल्क में, इसमें बॉटम है सेम शेड में, पर्पल शेड में, प्लम शेड में, और ये हमारा जैकवार्ड में हो गया दुपट्टा, ये देख लीजिए आप। तो ये हमारा प्लम शेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन में दुपट्टा है, ठीक है, जैकवर्ड फैब्रिक में है, गोल्डन पट्टी है इसकी चारों तरफ, और ये देख लीजिए दुपट्टा, इसका ना लुक है। अब आप मुझसे ये कहोगे कि इसमें जैकवर्ड का दुपट्टा क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, लुक है इसका, जैसा बन के आया है वैसा ही आप पहनोगे ना तो वैसे ही अच्छा लगेगा। आप स्टिचिंग के बाद ना इसका रियल लुक आता है, तो वो आप यकीन करें, अगर आपको मॉडल पिक्चर में अच्छा लग रहा है तो लुक वैसा ही आएगा, क्योंकि ओरिजिनल पीस है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं यहीं पर ही, कि आप लोग मुझसे पूछेंगे कि इसमें तो दिखेगा ट्रांसपेरेंट है, हमको इनर चाहिए, इसमें इनर नहीं दिया है फिर भी इतना महंगा है, तो मैं आपको बता दूं इसमें इनर नहीं आता है हमें, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने निकाल लिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये बाहर से ही नहीं आता है। तो इनर आप अपने अकॉर्डिंग लगवा लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि काफी बार स्किन सेंसिटिव होती है तो आप शैंटून नहीं पहन सकते, है ना, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको सूट करता है, जो भी फैब्रिक आपको अच्छा लगता है आप उस फैब्रिक का इनर लगा सकते हो, आप कॉटन लगा सकते हो, आप शैंटून लगा सकते हो, आप सेम ऐसी रॉ सिल्क में लेके आप वो भी लगवा सकते हो, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो भी फैब्रिक अच्छा लगता है, आपको जो भी सूट करता है आप वो लगवाइए, एकदम अच्छे से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्पल वाला डिजाइन, अब मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट हमारा ब्लू एंड रेड के कॉम्बिनेशन। ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट डिजाइन है, ये सारा ना आपका डिजाइन जो भी रहेगा शर्ट का बॉटम का वो डार्क नेवी ब्लू में रहेगा, और ये रेड कलर में दुपट्टा है, बाकी ये सब है आप पॉज करके पढ़ सकते हो, मेजरमेंट वगैरह सब कुछ मेंशन है इस पे। चलिए दिखाती हूँ आपको जल्दी से, इसमें भी ना थोड़े से पैच वर्क में मिलेगा आपको, ये देखिए ये डार्क ब्लू में है, और मैं आपको सीधा ही दिखा रही हूँ, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ से आपका नेक वाला पार्ट बनेगा, यहाँ से नेक लाइन बनेगी आपकी, और ये जो डिजाइनिंग है ना आपकी, ये आपके ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है, कुर्ते में ऊपर की तरफ आएगी, आपको पूरी विड्थ में एम्ब्रॉयडर्ड है, आप अगर इसको बनवाना चाहते हो ना तो आपका लाइक लार्ज भी बन जाएगा इसमें, लार्ज एंड एक्सेल या डबल एक्सेल का तो देखिए देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना विड्थ में फैब्रिक नहीं आता है तो वो तो नहीं बन पाएगा, मैं उसके लिए राय नहीं दूंगी, क्योंकि काफी बार निकल भी जाएगा तो भी मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर इन केस एक बाय चांस नहीं हुआ तो फिर आप लोग शिकायत करोगे इस वजह से। तो और ये नीचे की तरफ ना गोल्डन में पूरा जितना भी आप देख रहे हो ऊपर, ये कलरफुल जो है ये तो रेशम का काम है, और नीचे जितना भी आप देख रहे हो गोल्डन में, ये सारा जरी का काम है, तो ये देख लीजिए ये है, ठीक है, ये हमारा हो गया हमारा कुर्ता। और मैं अब आपको दिखा देती हूँ बैक वाला पार्ट, ये देखिए ये है हमारा बैक वाला पार्ट इसमें, ठीक है, ये बैक वाला पार्ट हो गया, ये भी आपको पूरे बूटे मिलेंगे, जैसे कि आपको और फैब्रिक में मतलब और डिजाइन में देखने के लिए मिला है ना, सेम इसमें आपको मिलेगा ऐसे ही।
और अब मैं आपको दिखा रही हूँ स्लीव्स। तो मैंने डबल करके पकड़ी हुई हैं, ये स्लीव्स हैं, आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी में स्लीव्स मिलेंगी। और ये हमारा रॉ सिल्क में बॉटम हो गया सेम ब्लू शेड में। और अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, वो मैं इसके पैचेस दिखा रही हूँ। आप इसको लेंथ बढ़वा सकते हैं अपनी, आप चाहो तो इतना ही शॉर्ट पहन सकते हो बनवा के, ठीक है, अगर इनके साथ की हाइट थोड़ा कम है। और अगर ये है कि आप मतलब लंबे हो अच्छे खासे, तो आप इसमें लॉन्ग भी करवा सकते हो। आप ये पैचेस को ना अपनी लेंथ इंक्रीज करने में यूज कर सकते हैं, स्लीव्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सारे पैचेस दिखा रही हूँ, ये मैंने डबल करके पकड़ा हुआ है इतना ही। आप देखिए पैचेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये हमारा एक पैच हो गया, ये हमारा थोड़ा चौड़े में दूसरा पैच हो गया, ये देख लीजिए। थर्ड पैच मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा थर्ड पैच हो गया, ये देख लीजिए, ये गोल्डन कलर की इस पर एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें तीन पैचेस दिए हुए हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ इसका दुपट्टा, ये देखिए, ये रेड कलर में शिफॉन में दुपट्टा है इसका, और पूरा का पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है। आप देख रहे होंगे ना, आपको विजिबल हो रहा होगा, जितना भी आप ये देख रहे हो दुपट्टे पे, ये सारी इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही है, ये देख लीजिए, ये रेड कलर में दुपट्टा है इसका। तो ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारे ड्रेसेस हैं, डिजाइन हैं, ये देख लीजिए, इस टाइप का ना इसका कॉम्बिनेशन आएगा, लुक आएगा। तो ये हमारा ब्लू में डिजाइन था। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और सोबर शेड में हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना ग्रे कलर का जो दिखाया था मैंने, उसी टाइप का है ये, ये देख लीजिए, ठीक है। और ये जो है हमारा, इसमें आपका नेक के लिए अलग से एम्ब्रॉयडरी की गई है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इसमें तो मतलब काफी, मैंने उल्टा दिखा दिया दोबारा से, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। देखिए मैं इसमें आपको एक बात और बता दूं, आपको ये लग रहा होगा कि ये हल्का है, इसका शिफॉन ऐसा ही आया है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका शिफॉन ऐसा ही है। जब क्योंकि देखिए इसमें मजबूती मिलेगी जब आप इसको इनर लगा के सिलवाओगे ना, तो ये इसका परफेक्ट आएगा। बाकी तो देखिए शिफॉन है, हल्का रहेगा तो उसमें ये। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका नेक वाला, देखिए ये नेक पर बनेगा आपका सारा, जितनी एम्ब्रॉयडरी है ये आपकी नेक पर आएगी। इसमें तो देखिए काफी सारा स्पेस है, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कटिंग वटिंग करवा के, ये जितना मैं आपको दिखा रही हूँ ना एम्ब्रॉयडरी, ये नेक पर है। और ये हो गया, ये हो गया इसका दामन, तो ये देख लीजिए, ये दामन की एम्ब्रॉयडरी है। तो ये आपका फुल कंप्लीट हो गया, मैंने आपको फ्रंट वाला पार्ट दिखा दिया, अब मैं आपको बैक वाला पार्ट दिखा देती हूँ इसका। एक बात मैं आपको इसमें और बताऊं, जब आप इसको सिलवाएंगे ना, स्टिच करवाएंगे, तो ही इसका असली लुक आएगा। बाकी देखिए मैं आपको इसलिए बात कह रही हूँ क्योंकि आपके पास जाएगा ना, क्योंकि मेरे पास एक बार शिकायत आई थी कि मतलब शिफॉन बहुत हल्की है, ये फट जाएगी ऐसे वो। तो आप लोग जब इसको स्टिच करवाओगे ना, जब इनर लगवा के सिलवाओगे, तो इसको मजबूती मिलेगी, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। बाकी अगर आप सिंगल ऐसी शिफॉन देखोगे तो वो आपको लगेगा ऐसा, लेकिन ऐसी बात है नहीं, मजबूत होती है ये। और ये आप बैक वाला पार्ट देख रहे हो, बूटे मिलेंगे आपको पूरे इस पे। और ये बैक वाले पार्ट पे भी ना काफी चौड़ा जो है एम्ब्रॉयडरी हो रही है दामन के साथ तरफ, तो ये देख लीजिए आप, तो ये दामन की तरफ एम्ब्रॉयडरी मिलेगी आपको, ठीक है। इसमें सीक्वेंस वर्क हो रहा है, और ये जितना भी आप देख रहे हो ना गोल्डन, ये जरी का काम है, जरी और रेशम का काम है। अब मैं आपको ना इसकी स्लीव्स दिखा देती हूँ, क्योंकि स्लीव्स जो है वो काफी अच्छी एम्ब्रॉयडरी में दी गई हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं इसकी ये स्लीव्स जो है। आप देख रहे हो ना कितनी चौड़ी इसकी एम्ब्रॉयडरी है, बाकी ये ऊपर आप देखिए सारे बूटे पड़े हुए हैं, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका दुपट्टा, ये देखिए आप, दुपट्टा बहुत खूबसूरत है इसका ना, जो कॉम्बिनेशन है वो लाइट ग्रे का और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ये देख लीजिए आप, पूरे बूटे पड़े हुए हैं गोल्डन कलर से, पूरे दुपट्टे पे मिलेंगे आपको बूटे, ये देखिए, ठीक है। और रॉ सिल्क में सेम उसमें रॉ सिल्क में आपको मिलेगा ये इसका बॉटम, ठीक है। इनर आपको खुद से लगाना होता है, इसमें इनर प्रोवाइडेड नहीं है, आपको बॉटम दिया गया है, कुर्ता दिया गया है और दुपट्टा दिया गया है,
और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा एक ब्लू एंड लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन। ये बिल्कुल अलग इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा मिरर वर्क भी दिया गया है, इसमें भी वही है सेम रनिंग में काम है। ये देखें आप, ये आई थिंक फ्रंट है, ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये इसका फ्रंट है, ठीक है। अच्छा मैं आपको इसमें बता दूं इसमें क्या क्या काम है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा में ना मिरर वर्क भी करा गया है और इसमें थोड़ा सा बीड्स भी लगे हुए हैं। तो इसमें रेशम का काम है और इसमें सिल्वर कलर का सीक्वेंस वर्क है, मिरर वर्क है और बीड्स का काम है, ठीक है। तो फिर वो आप डिजाइन आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ये देखिए, और ये हो गया हमारा दामन। तो ये दामन पे है सबका ना, इसमें जितने भी आप डिजाइंस देखोगे ना, सबका अपना अपना अलग अलग लुक है। और अगर क्योंकि देखिए ना, इसमें शिफॉन वाले दिखाने में काफी मसला होता है और इसमें सारी साथ में चीजें हैं, तो वो दिखाने में क्योंकि भाग रहा है बार बार ये कपड़ा जो है, तो इस वजह से दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर इनके हिसाब को इसका प्रॉपर आपको ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा है ना, आपको डिजाइन एकदम अच्छे से देखना है, तो प्लीज मुझसे पीडीएफ के लिए कह दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन नाराज मत होइएगा क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं दिखाया। और ये जो आप देख लीजिए, ये बैक पर आएगा आपका डिजाइन सारा, ठीक है, और बैक पर भी ना आपका ये रहेगा। और अब मैं ये देख लेती हूँ कि ये स्लीव्स हो गई हैं इसकी, ये देख लें आप, ये जो पार्ट दिया गया है ये स्लीव्स के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये बॉर्डर और ये सारे जितना भी आप वर्क देख रहे हो ना, ये आपकी स्लीव्स पर आ जाएगा। और ये हो गया आपका सेम शेड में, सेम कुर्ते वाले शेड में बॉटम का फैब्रिक है रॉ सिल्क में, और ये आपका हो गया डार्क ब्लू में इसका दुपट्टा। तो दुपट्टा मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, पूरा नहीं खोल रही हूँ क्योंकि सेम है सब कुछ। और 2.5 मीटर दुपट्टा है, वो तो आपको पता ही है, उसमें लिखा हुआ भी है। ये साइड आपको ना दोनों तरफ आपको लेंथ वाइज एम्ब्रॉयडरी की गई है, सिल्वर कलर का सीक्वेंस वर्क है, ग्रीन कलर का इसमें रेशम का काम है, प्लस बीच में इसमें पूरे में आपको बूटे पड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। और शिफॉन में इसका दुपट्टा है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा दूसरा सेम कलर कॉम्बिनेशन में जो मैंने अभी दिखाया है, बस वो चेंज हो गया है। डार्क शेड में इसमें आपको कुर्ता दिया गया है ना, और लाइट शेड में इसमें बॉटम दिया गया, वो दुपट्टा दिया गया। इसकी लेकिन एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल पैटर्न अलग है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये एक साइड का मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये फ्रंट है या बैक है, तो मैं अभी फिलहाल जो दिखा रही हूँ आप वो देख लीजिए। ये बॉर्डर दिया गया है, इसमें आप देख रहे होंगे बीड्स वाला है, और काम मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज्यादा एकदम बारीक एकदम सफाई वाला काम है। और सब में आपको जो मैंने डिजाइन आपको करीब से नहीं दिखाया ना, सब में आपको ऐसे ही बारीक और एकदम सफाई वाला काम मिलेगा, ये आप देख लीजिए, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रंट या बैक, ये देखें, ये तो स्लीव्स हो गई हैं, ठीक है। वो मैंने आपको जो दिखाया था ना, वो फ्रंट ही था, ये आप देख लीजिए, ये स्लीव्स हैं, ठीक है। मैंने वैसे पकड़ा हुआ है, उधर की तरफ से दिखाना है, बट ये रनिंग में है इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि आपके स्लीव के बॉर्डर पे डिजाइन आ जाएगा। इसमें गोल्डन कलर का सीक्वेंस वर्क है प्लस रेशम का काम है, और ये जो बूटे आप देख रहे हो ना, ये सारे बूटे एम्ब्रॉयडर्ड हैं, ये आपके स्लीव्स पर आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो बीच में गैप आ रहा है ना, तो ये नीचे वाला स्लीव के लिए है। अब यहां से जो है ये आपके बैक वाले पार्ट के लिए है, तो अब मैं आपको बैक वाला पार्ट दिखा देती हूँ एक बार। ये बूटे सेम आपके बैक वाले पार्ट में आएंगे पूरे कम्प्लीटली एम्ब्रॉयडर्ड, और ये आपका आ जाएगा दामन की तरफ, लेस जो आपको लग रही ना, तो ये आपके दामन की तरफ आ जाएगी। तो ये मैंने दिखा दिया आपको, और ये रॉ सिल्क में सेम हमारे डार्क शेड में बॉटम का फैब्रिक दिया गया है, और इसमें लाइट शेड में हमें दिया गया है दुपट्टा। उसमें चेंज था, उसमें लाइट में दुपट्टा वो था कुर्ता बॉटम, और इसमें डार्क शेड में लाइट शेड में दुपट्टा दिया गया है, ये देख लीजिए आप। दुपट्टा पूरे ना सेम आपको बूटे मिलेंगे एम्ब्रॉयडरी के इसमें आपको,
ये देख लीजिए, तो ये दुपट्टा हो गया हमारा। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा येलो शेड में और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में ड्रेस। ये देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको लेना हो ना ये हल्दी याफ्टन के लिए ड्रेस लेनी हो आपको, तो ये परफेक्ट रहेगी, आप ले सकते हो, क्योंकि इसका जो डिजाइनिंग है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ही प्रिटी है एकदम। ये देखिए आप, अब ऐसा दिया होता है ना सिंगल सिंगल में, तो उनमें दिखाने में आसानी होती है, बट वो एकदम भागता है भारी होने के बाद। ये देखिए आप, जितना भी आप ही देख रहे हो ना, सारा का सारा एम्ब्रॉयडर्ड है, एकदम भरा हुआ जाल वर्क में, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लग रहा है येलो में। ये देखिए आप, पूरा का पूरा भरा हुआ है। आप ना अगर जैसे कि आपका आपको एक्सेल सिलवाना है, सॉरी आपको लार्ज सिलवाना है, एक्सेल भी चलेगा, मैं विड्थ आपको ना मेजर करके बता दूंगी, तो उसमें अगर आपको एक्सेल भी सिलवाना है ना, तो इसमें पूरी एकदम देख रहे हो ना आप साइड तक एम्ब्रॉयडरी है, तो ये आपका बन जाएगा इजिली। और नीचे दामन पे ना इसमें रेड कलर का ग्रीन कलर का मिक्सड अप काम है। ये हमारा फ्रंट हो गया, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ बैक इसकी। ये देखिए, ये सेम शिफॉन फैब्रिक में बैक है इसकी, येलो में देख लीजिए, बूटे पड़े हुए हैं, बहुत नाजुक काम हो रहा है बैक पर। और मैं आपको दिखा देती हूँ अब स्लीव्स। ये देखिए, ये स्लीव्स है इसकी, ऐसे करके डबल में मैंने पकड़ी हुई है, ठीक है। तो ये स्लीव है, बहुत ही मतलब ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा एकदम भड़काऊ वाला काम नहीं हो रहा है, एकदम जैसे भड़कता हुआ सा होता है ना, एकदम चमक रहा होता है, वैसा वाला नहीं है, बहुत डिसेंट है, एकदम बहुत लाइट है। और ये डार्क येलो शेड में हमारा बॉटम का फैब्रिक है, रॉ सिल्क में ही है ये भी, और ये हमारा लाइट ग्रीन शेड में है इसका दुपट्टा, तो कलर कॉम्बिनेशन तो लाजवाब है, सी ग्रीन टाइप का शेड है ये दुपट्टे का, ठीक है। तो जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो लाजवाब है, और मैंने उल्टा दिखा दिया है आपको शायद, नहीं सीधा। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, दुपट्टे में एक साइड तो आपको इतनी मतलब चौड़ा बॉर्डर मिलेगा, ठीक है, और एक साइड में मैं आपको दिखाती हूँ लाइट येलो में ना एक पतला सा लेस टाइप का बॉर्डर मिलेगा, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, और बीच में आपको मिलेंगे ये छोटे बड़े से बूटे। ये देखिए, तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत प्रिटी है, एकदम अच्छा लग रहा है, बहुत डिसेंट है। ये देख लीजिए आप, मैं आपको ना अब कलर कॉम्बिनेशन एक साथ में रख के दिखा देती हूँ कैसा लगने वाला है। ये देख लें आप, इस टाइप का इसका लुक आएगा, देख लिया आपने, आप देख लीजिए। और मेरे पास एक और डिजाइन है जो मुझे दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लास्ट डिजाइन है इस वीडियो का, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा लास्ट डिजाइन, एकदम लास्ट जो वीडियो का होने वाला है। ये देखिए, ये हमारा ना एकदम मैं कैसे बताऊं इसको, लाइट पर्पल, एकदम ना लाइट पर्पल टाइप का इसका शेड है। ये भी दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये भी रनिंग में है फैब्रिक, रनिंग से आप लोग प्लीज हंसिएगा मत मुझ पे, रनिंग से मेरा मतलब ये है कि इसका मतलब साथ में दिया हुआ है सारी चीजों का ना, फैब्रिक साथ में दिया गया है। तो ये देख लीजिए, मैं आपको ना फ्रंट दिखा रही हूँ आप, ओके, तो ये आप फ्रंट देख लीजिए इसका, ये यहां से आपका नेक वाला पार्ट बनेगा, आप सारी इसमें एम्ब्रॉयडरी देख लीजिए, सारी के सारा इसमें काम हो रहा है। अच्छा एक बात इसमें और है कि इसमें ना लाइट पिंक, एकदम बहुत लाइट पिंक और सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी से, तो कोई भी ना इसमें मतलब थर्ड कलर यूज नहीं हो रहा है। पिंक अगर टोन है ना इसका, पिंक कलर का थोड़ा सा पर्पलिश टाइप का, तो उसमें लाइट पिंक और सेम जिस कलर का ये फैब्रिक है, सेम कलर से एम्ब्रॉयडरी हो रही है, सिर्फ दो शेड से, बाकी जितना भी आप ये देख रहे हो सारा सिल्वर का सीक्वेंस वर्क है, तो कोई भी इसमें और दूसरा नहीं है। तो इसका जो लुक आ रहा है वो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये देखिए आप, ये आपको मिलेगा, ठीक है, दामन हो गया आपका, मैंने आपको दिखा दिया। और ये हमारा है बैक पर ना, इसमें वर्क नहीं है, बैक इसकी प्लेन दी हुई है, तो आप जो देख रहे हो ना ये फैब्रिक, ये बैक के लिए है, और ये जो आप देख रहे हो ये इसकी हो गई है स्लीव्स, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप,
ये स्लीव्स के लिए है। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊं, इसमें ना आपके अम्ब्रेला टाइप की स्लीव्स भी बन जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको जो दिखाया है ना विड्थ वाइज आपको पूरे के पूरे में ना एम्ब्रॉयडर्ड आपको स्लीव्स के लिए फैब्रिक दिया है, तो आप चाहो तो इसमें ना अच्छे से अम्ब्रेला टाइप की स्लीव्स भी बनवा सकते हो, क्योंकि फैब्रिक आपको ज्यादा मिल जाएगा, कोई कमी नहीं है स्लीव्स के फैब्रिक के लिए। और ये सारा बूटा पड़ा हुआ है स्लीव्स पे, तो आपका क्योंकि बेल टाइप की स्लीव्स बनती है ना, सॉरी अम्ब्रेला टाइप की स्लीव्स बनती है, बेल स्लीव्स कह दीजिए कुछ भी, तो उससे अच्छा लुक आता है ड्रेस का, बहुत अच्छा लुक हो जाता है। सेम आपको शेड में मिलेगा ड्रॉ सिल्क में बॉटम का फैब्रिक, और सेम आपको मिलेगा इसका दुपट्टा सेम शेड में, कोई भी ना इसमें कोई भी थर्ड शेड यूज नहीं हो रहा है, सेम आप एम्ब्रॉयडरी देखोगे। तो ये मैंने आपको दुपट्टा दिखा दिया है, फोल्डेड है दुपट्टा, खोलकर नहीं दिखा रही हूँ, ऐसे दिखा रही हूँ, देख लीजिए आप दोनों, आपको साइड में ना ये लेंथ वाइज आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी दुपट्टे पे, बीच में आपको मिलेंगे बूटे, ठीक है। तो ये मैंने आपको दुपट्टा दिखा दिया इसका, और ये पूरा इसका कंप्लीट लुक है, बहुत ही प्यारा सूट है। और सब में मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने इसके साथ में आपको बताया स्लीव्स के लिए तो सब में नहीं है, सब में है, आप जैसे भी आप स्लीव चाहो ना वैसे आप बनवा सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास यही डिजाइन्स थे आपको दिखाने के लिए, आपको इसमें से जो भी अच्छा लगता है प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि स्टॉक अगर ओवर हो गया तो नहीं दोबारा सेम पीस रीस्टॉक हो पाता है, बहुत बहुत रेयर केसेस में हो जाता है। तो अगर किसी को आपको कोई भी डिजाइन अच्छा लगा है फौरन आप मुझसे पीडीएफ सेंड मतलब पूछ लीजिए पीडीएफ के लिए, मैं आपको सेंड कर दूंगी और फौरन आपको रिप्लाई मिलेगा, कॉल भी कर सकते हो आप, ठीक है। नंबर मेंशन है टाइटल में डिस्क्रिप्शन में, एंड मैं प्राइस भी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक।